पुलिस की गिरफ्त में आए इन 62 लोगों पर आरोप है वेश्यावृत्ति के कारोबार से जुड़े रहने का और अवैध रूप से जुआ खेलने का। पुलिस ने इन्हें सोनीपत के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता देवराज दीवान के फार्म हाउस से छापा मारकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत कुल 62 लोगों को रंगरंगलिया मनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 5,80,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। पुलिस की छापेमारी में देवराज दीवान के बेटे ललित दीवान की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 5 महिलाओं और 5 युवकों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि ललित दीवान और बाकी के आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि यह सारा कारोबार पूर्व विधायक देवराज दीवान के इशारे पर किया जा रहा था। जांच जारी है और देवराज दीवान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी तो वहाँ दीवान फार्म हाउस पे रेड की थी, तो वहाँ पे रेड करने के बाद पता चला कि इन्फॉर्मेशन दी गई जुआ खेला जाता है, वेश्यावृत्ति का काम चलता है। तो वहाँ रेड करने के बाद जुआ खेलते हुए 57 व्यक्ति अरेस्ट किए गए और वेश्यावृत्ति की उसमें 5 लड़कियाँ पकड़ी गई और टोटल रकम 5,80,000 रुपए बरामद की गई। इस फार्म हाउस के मैनेजर कपूर शर्मा ने जानकारी दी कि इस फार्म हाउस के संचालन से देवराज दीवान का कुछ भी लेना देना नहीं। उन्होंने यह फार्म हाउस 1 महीने के लिए किराए पर लिया था। कुछ लोगों ने कुछ घंटों के लिए इसे किराए पर लिया था, फिर अचानक पुलिस ने रेड मार दी। फार्म हाउस के मालिक देवराज दीवान ने भी इस पूरे मामले से खुद को अलग बताया। उन्होंने फोकस हरियाणा को जानकारी दी कि उन्होंने ये फार्म हाउस किराए पर दिया था, इसलिए उन्हें कुछ भी मालूम नहीं। देवराज जी, क्या चल रहा था ये आपके फार्म हाउस में? यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है। पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा, 57 लोगों को गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति हो रही थी, जुआ खेला जा रहा था, लाखों रुपए कैश बरामद हुए हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? मैम एक बात बताऊं, 57 लोग अगर जुआ खेल रहे होंगे तो 5,80,000 10,000 जुआ खेल रहे थे। क्या पुलिस कुछ भी बना दे, तिल का पहाड़ बना दे, पहाड़ का तिल बना दे, ये सरकार जो कर रही है आप अच्छी तरह देख रहे हो। 5 महीने से यही चल रहा है। इन्होंने चुनाव के टाइम में भी यही बकवास की। मतलब ये राजनीति स्टंट है, ये बदनाम करने का खेल है सारा, ताकि मैं ही एक प्रतिद्वंदी ऐसा हूं सोनीपत का जो मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी जिंदगी खराब करने के लिए सब षड्यंत्र पुलिस के साथ मिलकर किया गया है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन एक पूर्व विधायक के फार्म हाउस में अगर इस तरह के अनैतिक कारोबार होंगे तो सवाल उठने लाजमी है।